देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, द जनरल रूल ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज दिस प्राइमा फेसी पासेस विथ, बोलो सर ओनरशिप। वेरी गुड, ओनरशिप। नेक्स्ट वन, वेल इसमें कई एक क्वेश्चन रिपीट है जो अपने लास्ट डे किए थे, लेकिन कई एक नया भी हम देखा था। वेन गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर बाई सेलर टू द बायर, व्हाट डज इट कॉल? एक्चुअल डिलीवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां लॉ एनफोर्स करे, पेमेंट बाई ए इंटरेस्टेड पर्सन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, मनी पेड बाई मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, नन ऑफ द अबव। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये लॉ फिक्स करता है। गुड्स अगर आपको कहीं पड़ा हुआ मिला तो फिर यहाँ पे क्या दोनों पार्टी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? तुम हमको मेरा कुछ वापस ला के दोगे और तुम्हारा जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे? नहीं। तो यहाँ पर ये कौन तय करता है? लॉ तय करता है कि आपको पड़ा हुआ कुछ अगर मिले तो पार्टी को ढूंढ के लौटाओ और आपका जो भी खर्चा लगे रिकवर कर लो। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ? लेकिन ये शायद पहला यूनिट में। हाँ सर, इसका आंसर 253 होगा। इसका आंसर तो 253 होता है ना, रुको चेक कर लेते हैं। लेजिस्लेचर कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? ये आपका शायद यूनिट वन है जो हम लोग नहीं किए ना। हाँ सर, उसमें 253 था शायद, हमको जहाँ तक याद है। रुको हम देख ले रहे हैं, बुक का पीडीएफ खोल के हम देख ले रहे हैं। आंसर 253 है, ठीक है। वो यूनिट का मैं काम करेगा, वो यूनिट का मैं वीडियो बना के डाल देगा, क्योंकि वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल ज्ञान है केवल, लॉ कैसे बना इंडिया में वो सबको लेके पहला यूनिट जो है, ठीक है ना। तो उसके आप वीडियो डाल देगा, मेरे को उसका एक वीडियो डालना है और कम्युनिकेशन का वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू वीडियो है मेरा। कम्युनिकेशन का तीन वीडियो था, जिसमें फर्स्ट और थर्ड वीडियो मेरे पोर्टल पे है यूट्यूब पे, लेकिन यूनिट वो वॉल्यूम टू वाला वीडियो मेरा वो बन नहीं पाया था, कुछ रीजन से उस दिन टेक्निकल एरर था लैपटॉप में, वीडियो शूट नहीं हुआ था। तो उसका भी हमको वीडियो डालना है, हमको दो वीडियो डालना है अभी भी आपको, लॉ का यूनिट वन और कम्युनिकेशन का वॉल्यूम टू, मतलब कम्युनिकेशन का सेकेंड वीडियो। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 253, ठीक है। लॉ इज द डैश ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन, अगेन सेक्शन नंबर 13 है, लेकिन सर सेक्शन नंबर नहीं याद करें, मेरे हिसाब से मत याद करो, क्योंकि ऐसा एक दो क्वेश्चन फंसेगा, तो एक दो मार्क्स या चार मार्क्स के लिए आप बैठ के सारा सेक्शन रट नहीं सकते। डैश पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3। ड्रॉवर ड्रॉइंग और पेई, ठीक है। Who among the following कैन नॉट क्रॉस अ चेक? ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर, फॉरेनर। फॉरेनर। ड्रॉवर इजीली कर सकते हैं, होल्डर तो कर ही सकते हैं, बैंकर तो कर ही सकता है, बैंकर वो स्पेशल क्रॉसिंग करते हैं, और फॉरेनर कोई क्रॉसिंग नहीं कर सकता। राइटिंग इज डैश इन नेचर, बोलो। बोथ एंड बी, कोई भी चीज को लिखना पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल मतलब वो हम तुमको लिख रहे हैं लेटर, तुमको हम जानते हैं दूसरे को, इम्पर्सनल मतलब जनरल पब्लिक को लिख रहे हैं, किसी को जानते नहीं है। तो राइटिंग कैन बी पर्सनल और इम्पर्सनल। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग डैश व्हेन मार्केटिंग, प्रोफेशनलिज्म, यस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर और जजमेंट अंडर आर्टिकल नंबर, पड़ेगा इसका आंसर है 137। लॉ और आर्टिकल नंबर का दो चार क्वेश्चन मिलेगा, आर्टिकल नंबर याद करना पड़ेगा, हम लिस्ट दे देगा बना के वीडियो में, लेकिन ये सेक्शन नंबर मत याद करो बैठ के। वाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल प्रेसिडेंट, कस्टमरी लॉ, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस,
स्टैट्यूट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर रिलीजियन बी नंबर सर बी नंबर इंडियन लॉ बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पुराने जुडिशियल केसेस को देख के दुनिया में क्या फॉलो हो रहा है वो देख के कुछ स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंस यानी कोड लॉ पार्लियामेंट जो पास किया उनको देख के तो लॉ ये सब को देख के बना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ IRDA IRDA का फुल फॉर्म क्या है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका काम क्या है लेविंग चार्जेस एंड फीस एज पर IRDA एक्ट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स टर्म्स एंड कंडीशन एंड अदर बेनिफिट ऑफरिंग बाय इंश्योरर कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन इंटरमीडिएट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट बोथ ए एंड बी मेरे हिसाब से तो ऑल थ्री है IRDA तीनों करते हैं तो बोथ ए एंड बी नहीं यहाँ पे ऑल ऑफ दैट वो एक ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि IRDA का ये काम ही है चार्जेस लगाना फीस लगाना वो डिसाइड करना IRDA का काम है इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह को रेट्स वगैरह को देखना कंट्रोल करना और अगर कोई कंपनी बदमाशी करे इंश्योरेंस कंपनी तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना इंटरमीडियरीज पे इन्वेस्टिगेशन करना IRDA का वैसे देखा जाए तो तीनों काम ठीक है हाउ डज श्योरिटी डिस्चार्ज श्योरिटी कौन होता है बोलो क्रेडिटर और भी बोला जाता है श्योरिटी कौन होता है जिसको कोई गारंटी मिला है कि अगर तुम्हारा पेमेंट मान लो हम आकाश की भी आप में गारंटी दे रहे हैं कि आनंद तुम आकाश को पैसा दे दो आनंद नहीं आकाश नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएगा तो यहाँ पे आकाश श्योरिटी हुआ जिसके लिए गारंटी दिया जा रहा है नीरज गारंटर हुआ सॉरी आनंद श्योरिटी हुआ जिसको गारंटी मिल रहा है आकाश के बिहार में गारंटी दिया जा रहा है और नीरज गारंटर हुआ ठीक है एक श्योरिटी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए क्रेडिटर ऐसा कुछ वे में बिहेव करे कि उसके बाद में गारंटी वाला कोई कहानी नहीं बचे भाई यानी एक्ट ऑफ ये तो एक ही लाइन को दो बार रिपीट कर दिया भाई यानी एक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर भाई यानी एक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर नहीं तो ठीक ऑल ऑफ द वो आंसर है ठीक है अरे जो जिस पार्टी के बिहाफ में गारंटी दिया गया है वो ऐसा कुछ करे कि कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसिल हो जाए या वो पेमेंट कर दे या वो ऐसा कुछ करे कि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो सियोरिटी का कहानी खत्म नेक्स्ट द टर्म्स ऑफ एन अनपेड सेलर इंक्लूड्स अनपेड सेलर किसको किसको बोल सकते हैं एजेंट ऑफ द बायर एजेंट ऑफ द सेलर एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टर ऑल ऑफ द अबव एजेंट ऑफ द सेलर ना एजेंट ऑफ द सेलर इन अ प्रॉमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी पेएबल मस्ट बी सर्टेन मे बी सर्टेन और अनसर्टेन is usually uncertain none of the above certain sir must be certain use of coupons and samples come under which mode of marketing communication sales promotion advertisement direct marketing none of the above coupons or samples baat na sales promotion hai sales promotion yaad karo class 12 mein ek chapter padhe ho marketing management वहां पे चार पी होते थे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन प्रमोशन के अंदर चार एलिमेंट होता था एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन वो सेल्स प्रमोशन में बहुत सारे एक्टिविटी बढ़ते थे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रिबेट देना डिस्काउंट देना कूपन देना सैंपल बांटना एक पे एक फ्री देना कुछ गिफ्ट वाउचर देना कैशबैक ऑफर देना ये सब तरीका कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है इसको सेल्फ प्रमोशन अंडर हेड में रखा गया था ठीक है याद आया थोड़ा थोड़ा इंक्लूड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर फॉर क्लोजिंग द सेल इनमें से कौन सा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं फेस टू फेस एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन तुम्हारे घर आके तुमको बता के जाता ना ये प्रोडक्ट ले लो इस टूथपेस्ट में नींबू नमक और जलजीरा है
नहीं फिर पर्सनल सेलिंग। हाँ पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जो तुम्हारे घर पे नहीं आते हैं सामान देने। हाँ वो हो गया फेस टू फेस। या तुम दुकान में भी जब जाके लेते हो तो तुम दुकानदार से फेस टू फेस मिल रहे, दोनों ही पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है। हर बार खाली हाँ। मत सोचना मेरे घर पे आता है, वो डायरेक्ट सेलिंग हुआ। तुम जो दुकान में जाते हो वहां पे तुम्हारा सेलर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वहां पर्सनली माल बिक रहे डायरेक्ट एकदम। इन विच बिजनेस कम्युनिकेशन अ स्पीकर हैज टू क्लियरली स्पीक फॉर अगेंस्ट अ टॉपिक, इनमें से कौन सा में स्पीकर पे हम क्लियरली बोलना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन में सर। यस, क्योंकि डिबेट में ना सब बोलता है एक साथ, कई बार क्लियरिटी नहीं होता। स्पीच में भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई। ग्रुप डिस्कशन में भी तो स्पीकर को क्लियर होना, और ग्रुप डिस्कशन में भी तो होता ही है, और डिबेट में भी तो होता ही है। स्पीकर क्लियरली नहीं बोलेगा तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। ये तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिमूव करने का सबसे पहला तरीका था। यू शुड बी क्लियर, मतलब अपने बात पे एकदम क्लियर होना चाहिए हमको क्या बोलना है एग्जैक्टली। यहाँ ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होना तो वो होगा, रॉन्ग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 80s कम्युनिकेशन, 8 C's, सॉरी 8 C क्या थे? राइट राइट, सर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सिटीजनशिप, क्यूरियोसिटी, कंपोजर एंड कंपैशन। 8 C ये था। हम आपके ग्रुप में डाल रहे हैं, देख लो एक बार 8 C का नाम पहले। ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें याद होनी चाहिए। चंद्रलेखा हम आपको भी व्हाट्सएप पे दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 8 C का लिस्ट क्या क्या दिया है। कम्युनिकेशन यहाँ पर है, वो वर्ड नहीं है। कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन है यहाँ पे नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है, सर सी नंबर होगा, सर सी नंबर नहीं होता है, कंसिडरेट। क्यूरियसनेस है, बट यहाँ पर 8 C में यहाँ क्यूरियसनेस भी नहीं है तुम्हारे बुक के हिसाब से। कॉन्स्टेंट फिटनेस नहीं है, तब तो फिर तो ये चारों ही नहीं है। कंसिडरेट तो होता है, कंसिडरेट है सर, बुक अकॉर्डिंग है तो। क्लैरिटी है, कंसिस्टेंस है, क्वार्टर्स है, करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, करेक्टनेस, और फिर से कंक्रीटनेस है। हाँ तो कंक्रीटनेस है, कॉन्शियसनेस है, क्यूरियसनेस है, हाँ कंप्लीटनेस है। तो कौन सा नहीं है? पहला वाला। हाँ सर। या कंसोलिडेट नहीं है? नहीं वो है सर, कंसिडरेशन है, तो वो शायद कंसिडरेट को कंसिडरेशन की तरफ से ले सकता है। हाँ एकदम, कंसिडरेशन को कंसिडरेट की तरह ले सकते हैं, ठीक बोल रहे। तो सर यहाँ पे हमको क्यूरियसनेस नहीं है। ठीक है, ये याद करने लायक टॉपिक है। ठीक है, ये सब MCQs जो है ना वो याद करने लायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ गारंटी, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग, एंटायर और पार्शियल, ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। गारंटी रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराना गारंटी भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से गारंटी ये भी हो सकता है, स्पेसिफिक गारंटी मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब हर आने वाला कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम गारंटी दे रहे हैं, एंटायर गारंटी मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए गारंटी, और पार्शियल मतलब 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है बट हम 8 लाख तक का गारंटी ले रहे हैं। तो ये ऑल 6 टाइप्स ऑफ गारंटी हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर। ठीक है, व्हाइल ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसी, कीपिंग साइलेंस बाय द प्रोमिसर व्हेन ही हैज अ ड्यूटी टू स्पीक अबाउट द मटेरियल फैक्ट अमाउंट टू कंसेंट ऑब्टेंड बाय, जहां पर चुप रहना इक्वल टू बोलना है, बोलना ये चाह रहे हैं। एक प्रोमिसी से कंसेंट लिया गया, सामने वाला चुप रहा,
लेकिन वहां चूक इक्वल टू उसका वहां पे ड्यूटी टू स्पीक था, मतलब उसको बोलना चाहिए था बट वो चुप रहा। ये क्या होगा? पहले मिसइंटरप्रिटेशन एरर होगा, मिसइंटरप्रिटेशन होगा, मिस बी होगा सर। नहीं, मेयर साइलेंस इज अ फ्रॉड, सी और डी होगा। जनरली चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहां तुम्हारा बोलना जरूरी है या तुम्हारा चुप रहना इक्वल टू यस है, वो दोनों केस में तो फ्रॉड है। अपने टॉपिक पढ़ते इज मेयर साइलेंस अ फ्रॉड, बोलोगे नहीं, चुप रहना इक्वल टू फ्रॉड नहीं है। लेकिन दो केस है जहां पे चुप रहना इक्वल टू फ्रॉड हो जाता है, तुम्हारा बोलना जरूरी है और तुम नहीं बोले, या फिर तुम्हारा चुप रहना इक्वल टू यस माना गया, तो फिर वहां पे वो फ्रॉड है। ठीक बात, ठीक। टॉपिक ही था, एक हेडिंग देखना तुम्हारे बुक में, हेडिंग ही है डायरेक्ट इज मेयर साइलेंस अ फ्रॉड, फ्रॉड के नीचे वाला टॉपिक में हुई। एग्जांपल एग्जांपल भी तो था वो मेडिकल इंश्योरेंस के टाइम पे, एलआईसी इंश्योरेंस में और मैरिज का वाला फंक्शन में। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस में हम चुप रहा कि मेरे को पहले से बीमारी है, हम चुप रह के इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं मेरे को पहले से बीमारी है, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी पकड़ा, इसको फ्रॉड माना जाएगा, मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इन बुक डिपो अ कैटलॉग ऑफ बुक्स इज लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एन ऑफर इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप या नन ऑफ दिस। ए नंबर कल ही तक किया था। हाँ, लेकिन गलत हुआ कल, ये सी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज गौर करो, कल वाला आंसर रॉन्ग हुआ अपना। यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या बोला है, एक बुक डिपो है जहाँ पे कैटलॉग लगा हुआ है कि वो बुक कहाँ मिलेगा, वो केवल कहाँ मिलेगा बता रहे हैं तुमको, वहां पर अवेलेबल नहीं है कि तुम आओ और उसको ऑर्डर दो या उसको ऑफर करो कि हमको ये बुक चाहिए। एक होता नॉर्मल बुक का शॉप है जहाँ बुक अवेलेबल है, तुम वहां जाके नोटिस तुम एडवर्टीजमेंट में देखते हो वहां पे बुक अवेलेबल है, तुम जाके वहां ऑफर करते, तब वो तो बुक डिपो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसको इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इन अ बुक डिपो कैटलॉग एंड लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर बुक अवेलेबल इज, ये इन्विटेशन टू विजिट द बुक शॉप है। ठीक है, कल ये रॉन्ग हुआ अपना, लास्ट क्लास में मतलब। एम कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर एन एट अ कंसर्ट फॉर रुपीज 6,000। एम एन से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसके प्रोग्राम में गाना गाएगा, 6,000 रुपए लेगा, बेचारा पेड इन एडवांस, और वो पेमेंट उसको एडवांस में मिल गया। एम इज टू इल टू सिंग, अब एम इतना बुरा बीमार पड़ा कि वो गाना नहीं गा सकता, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट होगा। एम इज बाउंड टू मेक द कंपनसेशन, एम इज नॉट बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू एन फॉर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट विच एन वुड हैव मेड इफ एम हैड बीन एबल टू सिंग बट मस्ट बी रिफंड टू एन द 6,000 पेड इन एडवांस। एम इज नॉट लाइबल टू रिफंड, एम इज लाइबल टू लॉस फॉर द प्रॉफिट एज वेल एज द रिफंड। बी नंबर, बी नंबर। 6,000 रुपया तो वापस करेगा जो एडवांस लिया है, लेकिन मेरे को जो प्रॉफिट का लॉस हुआ है प्रोग्राम नहीं होने के कारण, उसके लिए एम बाउंड नहीं होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड। ठीक बात, तो कंपनसेशन कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सर जो 6,000 रुपया दिया वो लेने का हक बनता है, वो तो कॉमन सेंस बोलता है ना अपना, वो 6,000 भी वो रख लेगा क्या? नहीं सर, वो 6,000 तो उसको वापस देने पड़ेगा जो एडवांस में लिया। तो अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप ऑफ पोटेटोज, द पोटेटोज वर डिस्ट्रॉयड बाय ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब होता है वो आंधी तूफान झाड़ जो आया, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड हो जाएगा। डैश आर इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज बल्क ऑफ डेटा, इनमें से कौन किसको एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं बहुत सारे डेटा का? ग्राफ, ग्राफ या टेबल, दोनों ही चूज। टेबल में तो एक्चुअल डेटा दिया रहेगा ना, ग्राफ में भी तो एक्चुअल डेटा यूज करते हैं, टेबल बनाओ या ग्राफ बनाओ, सर फ्लो चार्ट होगा। हाँ, दोनों टेबल से तो बनेगा। फ्लो चार्ट में हम लोग थोड़ा इमेजिनरी जाते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, नहीं हुआ तो ये होगा। फ्लो चार्ट बना बना क्यों कभी, अगर यस तो ये दोनों काम करना, अगर नो, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि स्कूल विल बी ओपन और नॉट, तो अगर रैली हुआ
या रैली नहीं हुआ, रैली नहीं हुआ तो नो स्कूल, रैली नहीं, रैली हुआ तो नो स्कूल। अगर रैली हुआ तो दो ऑप्शन होगा, अगर रैली के हुआ, रैली नहीं हुआ सॉरी, तो दो ऑप्शन होगा। अगर कल कोई रैली के चक्कर में राइट होने का डर हुआ तो स्कूल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई राइट होने का डर नहीं हुआ तो स्कूल होगा। मतलब नो यस नो यस करके फ्लो चार्ट बनता है ना। हाँ सर। तो वो एक इमेजिनरी है, ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, वैसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाकी तीनों इमेजिनरी नहीं है ना बेटा, उसमें तो ओरिजिनल डेटा होता है। टेबल जब बनाते हो उसमें क्या मन से डेटा डालते हो कि ओरिजिनल एक्चुअल डेटा डालते हो? एक्चुअल। हाँ, ग्राफ भी जब बनाते हो तो टेबल को देख के तो ग्राफ बनाते हो। हाँ। तो वो भी तो एक्चुअल डेटा के बनता है, तो सर फ्लो चार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप इनिशिएटिव, फॉल्स स्टेटमेंट, कॉन्फिडेंस। सर फॉल्स स्टेटमेंट, ये तो बहुत बढ़िया एमसीक्यू था। कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लैटरल कम्युनिकेशन, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है। सेम लेवल, हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल। सेम लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल, जो लैटरल जिसको बोलते हैं। सेम लेवल मतलब तुम भी एक ब्रांच के मैनेजर हो, हम भी एक ब्रांच का मैनेजर है, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है। ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन किसको बोलते हैं? सर ग्रेपवाइन बोलते हैं इनफॉर्मल को। डायगनल किसको बोलते हैं? एक हेड दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। और वर्टिकल किसको बोलते हैं? अपने ही डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो कम्युनिकेशन, ठीक बात। तो सर यहाँ पे लेटरल होगा। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोविजन ऑफ चेक डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट टाइटल, हाँ। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है बता देते हैं। जब तुम्हारा माल इंडिया से बाहर जा रहा होता है, ठीक है, तो तुम किसी शिपिंग कंपनी में अपना माल को चढ़ाओगे ना, कोई प्राइवेट शिपिंग कंपनी होगा जिसका शिप में तुम्हारा माल इंडिया के बाहर जाएगा। हाँ। तो वो शिपिंग कंपनी तुमको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग, जिससे ये प्रूफ होगा कि इस गुड्स का मालिक तुम है, तो अल्टीमेटली तुम ही जाके डॉकयार्ड से उसको छुड़वा पाएगा, जो भी कर पाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डिलीवरी। कल ही पढ़े थे वाले। ए पेड रुपीज 500 टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैंटीन, ये भी कल किए थे। द गवर्नमेंट सर्वेंट कुड नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ए रिकवर 500 पेड बाय हिम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट? नो, द एग्रीमेंट इज वॉइड। घूस का पैसा रिकवरी नहीं होता सर, कल ही बात किए थे। राजीव एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद लता टू मैरी हर ऑन अ फिक्स डेट, हाउएवर बिफोर द मैरिज डेट राजीव वेंट मैड, ये भी कल किए थे। विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज वैलिड रिस्पॉन्स, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड और कुछ नहीं हो सकता उसका। गुड डिस्प्लेड इन ए शॉप विंडो विथ अ प्राइस लेबल विल अमाउंट टू, एक दुकान है वहां पे सामान रखा हुआ है प्राइस टैग लगा के, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इनविटेशन टू ऑफर है, वेरी गुड। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विटिएटेड बाय अंडू इन्फ्लुएंस, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंडू इन्फ्लुएंस के थ्रू, इज डिक्लेयर्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट? अंडू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल। अपने पांच एलिमेंट पढ़ते हैं ना फ्री कंसेंट में, कोएर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इनमें से पहला चार वॉइडेबल है, मिस्टेक वॉइड है अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो तो। मिस्टेक ऑफ लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, उसका सजा मिलेगी। ये वाला भी कल किए थे। ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन पेएबल ऑन डिमांड 3 डेज, है ना? हाँ। नेक्स्ट,
अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स इवन व्हेन प्रॉपर्टी एंड गुड्स हैव पास्ड टू द बायर ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी गुड्स हैव नॉट पास्ड टू द बायर आइदर ए और बी नाइदर ए और बी बी जब तक ओनर के बायर के पास प्रॉपर्टी पहुंच नहीं जाए तब तक ही उसको विथहोल्ड करने का राइट है. एक बार प्रॉपर्टी बायर के पास पहुंच गया उसके बाद उसको विथहोल्ड करने का कोई राइट नहीं है. अ सेल इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हो चुका वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एक सेल को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट टू सेल को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 19 ऑफ सेल्स गुड डील्स विद द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डैश गुड्स. ये अगेन सेक्शन नंबर वाला काम ही आ गया देखना पड़ेगा सर ये शायद कंटिंजेंट करता है देख लेते हैं. Now section 19 specific और certain goods का बात करता है ठीक है. सेक्शन 19 बात करता है देखो मेरा बात मानना ये जो आ रहा है ना इस पेपर में केस स्टडी आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर ये तुम्हारे सैंपल पेपर में इनको याद कर लेना माइंड में इनमें एक आध सेक्शन नंबर का फंसी जाए डायरेक्ट. तब तक हमें कौन सा सेक्शन नंबर पढ़े तो सेक्शन 19 पढ़े दो आर्टिकल पढ़े और एक ऊपर और सेक्शन नंबर पढ़े थे ठीक है. तो ये चार याद कर लेना. एक्स प्रॉमिस टू सप्लाई वाई वन तोला ऑफ गोल्ड ब्रॉट फ्रॉम द सन दिस इज दैट वो सूरज से एक तोला सोना लेके आएगा और तुमको सप्लाई करेगा. फ्रॉम द सन लिखा है तो हाँ सूरज सूरज सन सन हाँ वॉइड सर सन पे जाना ही पॉसिबल नहीं है सर ये वॉइड एग्रीमेंट है वॉइड हाँ इसको क्या बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी वाला लॉ एनफोर्स नहीं करेगा इसको. ए प्रॉमिस टू बी टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इन पब्लिक ऑफिस बी प्रॉमिस टू पे 2000 टू ए फॉर दिस. ए प्रॉमिस किया बी को कि वो उसको गवर्नमेंट जॉब दिला देगा और बी उसको बोला तुमको बदले में 2000 रुपये देगा. बी गेट ए जॉब बट रिफ्यूज टू पे द मनी बी को वो नौकरी तो मिल गया लेकिन बोला नहीं देंगे जाओ 2000 रुपया. तो ए कैन चैलेंज बी द अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मनी सू बी फॉर 2000 डू नथिंग सर. पहले उसको जेल में डाला जाएगा बोलेगा 2000 रुपये तो बाद में मिलेगा पहले तुम जेल में चलो. अ कॉरपोरेशन कैन बी पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाइड परमिशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर एब्सोल्युटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. सर बी नंबर इन स्पेशल परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेकन नहीं ए नंबर उनके आर्टिकल्स में अगर परमिशन है तभी कंपनी और कॉरपोरेशंस इन दोनों में ही मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर परमिशन है तभी कोई काम कर सकते हो वरना नहीं कर सकते ठीक बात. मेमोरेंडम क्या होता है जिसमें कंपनी का नेम क्लॉज क्या क्या उसका ऑब्जेक्ट है वो क्लॉज कहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा यानी सिचुएशन क्लॉज कितना उसका लाइबिलिटी होगा यानी लाइबिलिटी क्लॉज लिमिटेड अनलिमिटेड कौन सा होगा और लास्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कौन सा उसकी स्टार्टिंग में मेंबर है. तो ये पांच बातें होती है आर्टिकल मेमोरेंडम में बाकी सारे रूल कहाँ लिखे होते हैं आर्टिकल्स में. तो अगर कॉरपोरेशन या कंपनी हो तो तुम्हारा मेमोरेंडम और आर्टिकल में उस चीज का परमिशन है तो ही तुम कर सकते हो. तो ये छह बात पांच बातें तुम्हारे मेमोरेंडम में लिखी होगी बाकी बातें तुम्हारे आर्टिकल्स में ठीक है. हाँ, नहीं क्लियर हो बोलना उसको और फर्दर डिस्कशन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अपने को. सर हाँ बोलो. अगर शेयर होल्डर्स के प्रेशर में आके कोई रूल फिर से अमेंड किया तब एक बात सुन लेना अगर तुम्हारे मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है
और उसके बाद अगर शेयर होल्डर चाहे या कोई भी चाहे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक तरीका है शेयर होल्डर से पहले एसआर पास करा के मेमोरेंडम या आर्टिकल को अल्टर करो, उसके बाद वो रूल वहां डालो, फिर फॉलो कर सकते हो। बाकी नॉर्मली शेयर होल्डर का प्रेशर प्रेशर कुछ नहीं होता। अगर आर्टिकल मेमोरेंडम में नहीं लिखा है लेकिन शेयर होल्डर बोल रहा है ये कर लो तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास तरीका है, तुम मेमोरेंडम आर्टिकल में वो नया पार्ट डलवा लो ना शेयर होल्डर से एसआर पास करवा के, तब तुम कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली ऐसे तुम बोलोगे मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं है रहने दो, बट शेयर होल्डर बोल रहा है तो कर लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ठीक है। द टर्म चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगेन सेक्शन नंबर आ गया, देखना होगा। सेक्शन सिक्स है, ठीक है, इसका भी सेक्शन नंबर याद करोगे, इसमें जो जो सेक्शन नंबर आ रहा है याद कर लो, क्योंकि मेरा मानना है इसमें तुम्हारा 10 से 15 नंबर का पेपर बचने का बहुत उम्मीद है। इफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल आर यूज बाय स्पेशल क्रॉसिंग इन अ चेक, द चेक इज नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, नेगोशिएशन अंडर सर्कमस्टांसेस नॉन ऑफ द अबव, नॉट ट्रांसफरेबल। हां गलत जवाब, हम उस दिन में पढ़ाते थे वीडियो में बोला है नॉट नेगोशिएबल का मतलब वो मत मानो कि किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉट नेगोशिएबल का मतलब होता है कि हम अपने बैंकर को एडवाइस कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन लो थोड़ा देख के, चेक का पेमेंट करना लेकिन थोड़ा ध्यान रख के प्रॉपर केयर के साथ। अच्छा, नॉट नेगो, एक चेक के ऊपर साइड में दो लाइन क्रॉस करके जब नॉट नेगोशिएबल लिखा जाता है इसका मतलब होता है हम अपने बैंकर को एडवाइस दे रहे हैं कि पेमेंट जब करो तो प्रॉपर केयर रखना, थोड़ा ध्यान रखना, रिस्की है ये। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हम उसको एक सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं कि ध्यान रख के अगर तुमको लग रहा है डाउटफुल है कोई चिटिंगबाजी के थ्रू ये चेक लेकर आया तो तुरंत मेरे को कॉल करना, उसके बाद ट्रांसफर करना। ठीक है, इफ द बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू द पे, बैंक मना कर दे पैसा देने से तो ये चेक इज सेट टू बी डिसऑनर्ड। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स ऑन, सर डी नंबर, दिसंबर 1881 ए नंबर। तुम्हारे कितना एक्ट है सिलेबस में, एनआई एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना सर। पेमेंट टू फोर्स तो 1 मार्च को हुआ था 1882 में। तुम्हारा बुक देखो, जो बुक में राइट बुक में दिया वही राइट है। फिलहाल बुक में क्या दिया, 1 मार्च 1882, हम लोग 1 मार्च 1882 मान रहे हैं, बट हम तुमको तीनों एक्ट का कब फॉर्मेशन हुआ, कब एक्ट बना, कब फोर्स में आया, दोनों लिख के भेज देगा व्हाट्सएप पे। अ प्रोमिसरी नॉट टू मैरी बी एंड नन एल्स, ए प्रोमिस टू बी कि हम बी को शादी करेगा और किसी से नहीं करेगा, एंड प्रोमिस हैड टू पे अ सम ऑफ 10,000 इन एडिशन टू व्हाट ही गेट्स फ्रॉम द अदर पार्टी इफ ही मैरिज समवन एल्स, अगर वो दूसरे पार्टी से शादी कर लिया तो इस बात को 10,000 रुपया भी देगा। ए मैरिज सी एंड गेट ए 20,000 फ्रॉम सी, बी कैन गेट फ्रॉम ए, क्या बी ए से 10,000 रुपया मांग सकता है, नहीं नहीं मांग सकता सर, ये सब केस में केस नहीं बनते, ये सोशल एग्रीमेंट हो गया ना, सोशल एग्रीमेंट का लीगल वैलिडिटी नहीं होता। डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ गोडाउन व्हेन गुड्स आर केप्ट अमाउंट टू, ये क्या है, कौन सा डिलीवरी है, सिंबॉलिक। द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स,
इसे रिपीट हो चुका, रिपीट हो चुका ये ऊपर. कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट्स एट लोअर लेवल एंड फ्लो टू अ हायर लेवल. कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होता है लोअर लेवल से जाता है ऊपर तक, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड. अ हिंदू ऑलरेडी मैरिड विद अ लिविंग वाइफ एस एंटर्स इनटू अ मैरिज एग्रीमेंट विद अ विडो ऑफ 30 इयर्स ऑफ एज. द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ऑफ अपोजिंग टू पब्लिक पॉलिसी. वैलिड एंड कैन बी एनफोर्स बाय द पार्टी. वॉइडेबल बिकॉज ए हैड ऑब्टेन कंसेंट फॉर एक्सरसाइजिंग अंडर इन्फ्लुएंस अगेंस्ट हर. वॉइड बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ. हिंदू लॉ के हिसाब से ये फॉरबिडन है बेटा. जिंदा वाइफ के होते हुए आप दूसरे से शादी नहीं कर सकते, तो हिंदू लॉ के हिसाब से ये फॉरबिडन बाय लॉ है सर. तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर. चलो अकाउंट का पेपर भी करते हैं. यहां बोले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू. कॉस्ट को कितने हिस्से में बांटा है? दो ना सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तुमसे ये पूछा कौन सा CAS, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करता है? पहला वाला CAS 1 कॉस्ट को क्लासिफाई करता है. फैक्ट्री कॉस्ट किसको बोलते हैं? डैश कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट है. हाँ, प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट. ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल. इनमें से कौन सा कॉस्ट के ऊपर मैनेजमेंट उतना कंट्रोल नहीं करना चाहता? वेजेस कॉस्ट, बिल्डिंग इंश्योरेंस, मशीन ब्रेकडाउन, एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट नहीं, बिल्डिंग इंश्योरेंस. मशीनरी ब्रेकडाउन. आई मशीनरी ब्रेकडाउन पे लीस्ट कंट्रोल. लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल मतलब उसको लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते. इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बड़ा नहीं होता है बेटा, उस पर ध्यान नहीं देंगे. मशीन ब्रेकडाउन बहुत बड़ा बात है बिजनेस के लिए बेटा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तुम्हारा. वेजेस भी बहुत बड़ा कॉस्ट है, कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज बहुत तेजी से कर सकते हैं. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बहुत तेजी से खर्चे को बढ़ा सकते हैं. तो मैनेजमेंट ये सब कॉस्ट को रोकना चाहेगा ना, ताकि बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े. लेकिन सॉरी, ये AC और D को. लेकिन इंश्योरेंस का खर्चा तो फिक्स खर्चा है ना, उसको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है. और बहुत बड़े इंश्योरेंस की वैल्यूज नहीं होती. वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स डैश फॉर अ पीरियड. हाँ नहीं, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना वो टोटल में बदलता है, जबकि पर यूनिट सेम रहता है. टोटल में वो चेंज होगा जबकि पर यूनिट सेम रहेगा. तुम देखो, हमको 1000 रुपया लगा 50 पीस का और 2000 रुपया लगा 100 पीस का, तो यहाँ पे पर यूनिट कितना आएगा? 50 रुपया. और यहाँ भी एक मिनट, कुछ गलती हो. यहाँ 20 रुपये कैसे आए? अच्छा सॉरी, यहाँ तो 20 रुपये आ रहे. ठीक है, पहला वाला में 20 रुपया, दूसरा में पर यूनिट 20 रुपये आए ना. वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होगा. देखो टोटल में चेंज हो जाए, 1000 का 2000 हो गया जैसे यूनिट बढ़ा, लेकिन पर यूनिट हर बार में घूम फिर के 20 रुपये आए. जबकि फिक्स कॉस्ट का उल्टा नेचर होता है सर. फिक्स कॉस्ट आपका पर टोटल में सेम रहेगा. एक पीस बनाओ तो भी 10000 रुपया लग रहा है ग्राउंड रेंट. 1000 पीस बनाओ तो भी 10000 रुपया लग रहा है ग्राउंड रेंट. लेकिन जैसे टोटल निकालो, एक पीस बनाते तो कितना लगता पर यूनिट? 10000. लेकिन अगर 1000 पीस बनाते तो 10 रुपया. तो देखो पर यूनिट चेंज हो रहा है फिक्स कॉस्ट, लेकिन टोटल में सेम रह रहा है. जबकि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलेगा और पर यूनिट सेम रहेगा. अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट डैश यूज एज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट यूनिट. पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर भाड़ा डिसाइड करते हैं ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले. होटल वाले रूम पर डे रखेंगे, हॉस्पिटल वाले पेशेंट पर डे, और ये जो माल भाड़ा जो लेके जाते हैं क्या गुड्स कैरेज वाले, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, वो लोग टन पर किलोमीटर.
सीएस टू क्या चीज का बात करता है? मटेरियल कॉस्टिंग का सर, कैपेसिटी डिटरमिनेशन रहता है। एक मिनट रुको, देख लेते हैं। तो सीएस टू अपना बात करता है कैपेसिटी डिटरमिनेशन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं लेता? कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम टैक्स, फॉर ऑल ऑफ देयर। द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, क्या वो बोलना चाहते हो कुछ? द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। कैरेज एंड पेड, एक्साइज ड्यूटी, पेटेंट, डिविडेंड पेड। डिविडेंड, डिविडेंड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड, प्रोसेसिंग एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। चार्जेबल एक्सपेंस। विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 20 एंग्रेव डोर्स फॉर द न्यू क्लब हाउस ऑफ अ गोल्फ कोर्स? एक गोल्फ कोर्स में 20 नए दरवाजे बन रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, बैच या सर्विस कॉस्टिंग? बैच। कॉन्ट्रैक्ट होगा ना सर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए। यस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेथड यूज होता है बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होते हैं। हाँ, ये बैच कॉस्टिंग होगा क्योंकि एक साथ 20 दरवाजे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा एक बैच है। नहीं, बैच कॉस्टिंग नहीं होगा बेटा, बैच तो मशीन में जाता है ना, कि एक बार में कितना सर्विस निकलेगा। नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस कैसे हो सकता है? प्रोसेस कॉस्टिंग होगा ये। दरवाजा बनाना एक प्रोसेस है, लकड़ी को काटना एक स्टेज होगा, फ्रेम रेडी करना एक स्टेज होगा, गेट को फिटिंग करना एक स्टेज होगा। 20 दरवाजे बनाने हैं नए क्लब हाउस के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 50,000 है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000 है। बताओ टोटल इनकम का सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए कितना होगा? तो एड ओपनिंग, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग करते हैं, 52,000 तो 50,000 में 8,000 ऐड होगा, 58,000 माइनस 6, 52,000 मींस क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी गेट सर नेट प्रॉफिट। द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम कहां? किसको देख के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हां, उल्टा बोल दिया बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट को देख के इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ना? हाँ, तो कैशबुक को देख के बनाते हैं सर, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा आना और जाने का एंट्री होता है ना। तो कैशबुक में तो होता है वो ट्रांजेक्शन की, कितना रुपए आया और कितना रुपए किस दिन गए। एंडोमेंट फंड रिसीव बाई अ क्लब इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नेचर का फंड होता है उसको कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। हाँ, उसी को कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इफ इनकम इज 16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 4,300, देन एक्सपेंडिचर इज बताओ। अगर तुम्हारा इनकम यानी सेल 16,000 है लेकिन तुम टोटल लॉस बुक किए 4,300 का, तो खर्चा कितना हुआ है? 20,300। हाँ, तभी तो लॉस होगा सर, 20,300 खर्चा हुआ है, 16,000 इनकम है, तो 4,300 का लॉस होगी, ठीक है। लीगेसी आर जनरली कैपिटलाइज ट्रीटेड एज लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर डी होगा क्या? बी, डी डेफर्ड रेवेन्यू। हाँ डी होगा, लेगेसी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट, इनमें से कौन सा खर्चा काम का नहीं है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट? रेलेवेंट नहीं है मतलब काम का नहीं है वो खर्चा, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ जो डूब चुका, संक मतलब जो डूब गया, उस खर्चा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नया कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, इस मशीन की जगह दूसरा मशीन को लाने का खर्चा, तो मतलब जब नया मशीन लाएंगे तो खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना, नहीं लाएंगे तो नहीं लगेगा वो खर्चा रिप्लेसमेंट करने का। मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो एडिशनल यूनिट बनाएंगे तो एडिशनल खर्चा, सर वो तो रेलिवेंट है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो टारगेट जो सेट करते हो कि इतना मेरा हाईएस्ट खर्चा लगना चाहिए, सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश कॉस्टिंग अप्लाइड इन कैंटीन, कैंटीन का हाँ सर्विस कॉस्ट को तो बेटा ऑपरेटिंग बोलते हैं, तुम राइट हो, लेकिन सर्विस कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। इन केस ऑफ डैश कॉस्टिंग कॉस्ट आर असर्टेन ओनली आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, इनमें से कौन सा कॉस्टिंग है जिसमें खर्चा तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो हो जाए। Standard. नहीं बेटा स्टैंडर्ड में तो पहले से सोचते हैं ना कितना लग सकता है, तो ये होने के बाद थोड़ी ना सोचते हैं, तुम अपना टारगेट होने के पहले सेट करते हैं कि टारगेट खत्म होने के बाद करते हैं, होने के पहले। हाँ तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी बात यहाँ पे बोला गया है वो खर्चा जो होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा तो हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी वही होता है कि किस प्रोडक्ट से कितना पैसा वसूल करना है, ये भी पहले से तय करना पड़ेगा ना कि तुम सारा प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचना चालू करते हो, ऐसा होता है क्या कि पहले सारा प्रोडक्शन हो गया सारा खर्चा लग गया कैलकुलेट कर लिए फिर बेचना चालू करेंगे, सर ऐसा नहीं होता। एब्जॉर्प्शन स्टैंडर्ड मार्जिनल ये सब पहले से डिसाइड होते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम ही में है ना बेटा, हिस्टोरिकल है मतलब होने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ संक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक एग्जाम्पल है, इतना तो कम से कम वसूल करना ही होगा मेरा जो अपॉर्चुनिटी का खर्चा लग रहा है। अगर हम एक जगह नौकरी करने गया हमको वहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रहा है, तो अगर हम वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करने बैठेगा तो हमको उतना सैलरी उतना पैसा तो कम से कम यहाँ से रिकवर करना ही है ना, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया कि इतना तो कम से कम रिकवर करना है। एम एंड एन इंटर इंटर जॉइंट वेंचर ये कल भी किए थे, एम सप्लाइड गुड्स पर रुपीज 12,000, एन स्पेंड 200, एन का एम का कितना खर्चा हुआ है 12,200, एन सेल द एंटायर फॉर 15,000, लेकिन वो भी 400 रुपये का सेलिंग खर्चा किया तो वहाँ पे 400 और खर्चा हुआ तो 12,600 का खर्चा हुआ टोटल, जबकि माल बिका कितना में 15,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 2,400। अब बोला है कि वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, प्रॉफिट शेयर इक्वली, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 1200 ईच ना, तो एम एन को एन सॉरी एम को कितना रुपया रेमिट करेगा, तो अगर हम एन का अकाउंट बनाए, एन 15,000 का माल बेचे है, खर्चा किया 400 रुपया, अपना प्रॉफिट कभी प्रॉफिट में काटेगा 1200 रुपया, बाकी पैसा इनको भेज देगा एम को सॉरी, तो 15,000 का माल बेचा कुछ 400 का खर्चा किया वो काटेगा, 1200 का अपना प्रॉफिट काटेगा, बाकी पैसा वो क्या करेगा एम को भेज देगा, क्योंकि पूरा कुछ खरीदने का काम कौन किया एम, तो 15,000 माइनस 1200 माइनस 400, 15,000 माइनस 1600 13,400। मिस्टर पी सोल्ड गुड्स वर्थ गुड्स टू मिस्टर क्यू फॉर रुपीज 60,000, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू बीआर। बकवास क्वेश्चन, 60,000 का माल बेचा आधा अगर कैश में मिल गया बाकी बीआर में, तो बताओ कितने का बिल बनेगा सर 30,000 का, यहाँ पे 6,00,000 बोला सॉरी 3,00,000 का, ठीक है। हाँ सर। अ पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज कॉल्ड एंडोर्सर, और जिसको मिलता है वो एंडोर्सी। फिक्स एसेट्स आर केप्ट इन बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अर्निंग इनकम, मीन फॉर रीसेल, मीन फॉर कन्वर्जन इनटू कैश, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। फिक्स एसेट उसको बोलते हैं जो हम
लॉन्ग टर्म बिजनेस में रखें कमाई करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नन ऑफ द अबव। ए नंबर सेल्स माइनस यूवीएस। इनकम स्टेटमेंट इज अ चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट नोन एज। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट कौन सा स्टेटमेंट बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इनकम, उसके इनकम स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही तो बोलते हो। हम लोग यही तो बड़े नॉर्मल बिजनेस प्लान वाले पीएल बनाते हैं। हाँ। और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनटीओ वाले लोग पीएल नहीं बनाते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते। उनका पीएल से, नॉर्मल वाले को पीएल से नेट प्रॉफिट निकलता है, इनके वाले इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। अगर बोल रहे हो 2000 रुपया का सेल किए, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 25%, यानी 25% किसका दे रहा ऑन कॉस्ट, और ये ऑन सेल है 2000, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। सर सीपीएसपी वाला कहानी कर लीजिए, 25% ऑन सीपीए, मतलब 1/4 ऑन सीपीए, एसपी पे 1/5 हो जाएगा, 2000 का 1/5 ₹400 प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1600 हो जाएगा। देखो तुमको यहाँ बेवकूफ बनाने के 400 भी दिया है, जल्दी जल्दी में आंसर निकलता है ना, जब 400 आदमी को वही टिक करके आ जाता है, अरे पूछा क्या, वो तो पढ़ लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मांगा है तुमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ इज अ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट नॉमिनल होता है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की तरह बनता है, और कैश का अकाउंट ऑलवेज रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज एक्यूमुलेटेड फंड। हाँ, उसको कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं, जो तुम ओपनिंग बैलेंस शीट बना के निकालते हो ना कैपिटल, उसको कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। इफ 1500 वाज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन एंड 10,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विथ 2500 स्टिल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा वो बताओ। साढ़े जाएगा 10,000। हाँ, वेरी गुड सर। या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं पूछा, तब तो वो एड लेस करते हम लोग, जितना मिला है उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेते, है ना। लेकिन सर जी यहाँ पे वो नहीं मांगा आपसे, आपसे मांगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जितना मिला है वो पूरा जाएगा 10,000। टू राइट ऑफ बैड डेट फॉलोइंग एंट्री इज पास, बैड डेट को बुक से राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री पास होता है। बोलो सी नंबर बैड डेट टू डेटर। लेकिन बैड डेट को क्या करने बोला। हाँ ठीक है, ठीक है। ए रिकवरी ऑफ बैड डेट इज इंक्रीजिंग द इनकम, डिक्रीजिंग द इनकम, इंक्रीजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट इनकम, इंक्रीजिंग एन ऑफ द। बेटा बैड डेट रिकवरी कहाँ लिखते हैं, पीएल के क्रेडिट में ना। हाँ। ये इनकम को बढ़ा रहा है, ये जीपी पे देखो, डिक्रीजिंग इनकम तो हो नहीं सकता था। अरे किसी का फोन बज रहा है, साइलेंट करो या उठा लो। इंक्रीजिंग नेट इनकम तो हो नहीं सकता, डिक्रीजिंग नेट इनकम तो हो नहीं सकता, ग्रॉस प्रॉफिट पे इसका असर ही नहीं होता, अल्टीमेटली खाली इनकम बढ़ा रहे। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, अगर ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करेगा, करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, क्या मैच करेगा, नहीं करेगा बेटा। दो बार एंट्री क्यों, मतलब दो बार एंट्री क्यों, मतलब दो बार किसी चीज को डेबिट किया, दो बार किसी चीज को क्रेडिट किया, तो मैच तो कर ही जाएगा, रॉन्ग है वो अलग बात है, बट मैच तो करेगा ही। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सर क्रेडिटर बढ़ाइए, क्रेडिटर कम कीजिए, नहीं हाँ कैश को बढ़ाइए या क्रेडिटर को बढ़ाइए, एक ही बात होगा, आपका क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगा।
और परचेज को जब डेबिट करेंगे तो डेबिट में भी एंट्री आ गई। रुपीज 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, डेबिटेड टू क्रेडिटर फॉर 50 एंड क्रेडिटेड टू कैश रुपीज 500। ये नहीं होगा सर, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा सर, 450 का गैप आ जाएगा। रुपीज 200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू मशीन इरेक्शन का चार्जेस लगा है 200। कहाँ डाले उसको? मशीन अकाउंट। हाँ वेरी गुड, मशीन इरेक्शन का चार्जेस एसेट खरीदते वक्त कोई खर्चा हो तो वो एसेट में जाता है। हाँ। पुराना एसेट का रिपेयरिंग करे, लाइफ का कैपेसिटी बढ़ रहा तो एसेट में जाता है। बैड डेट इज कंफर्म्ड लॉस। हाँ कंफर्म्ड लॉस। ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 40,000 एंड सोल्ड इट फॉर 60,000, ये भी लास्ट डे किए थे। ऑरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 24,000 एंड बी हैड कंट्रीब्यूटेड 16,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट? सर ये 24-16 बेवकूफ बनाने के लिए दिए, मेरे को ये बताया 60,000 का मशीन, 40,000 का मशीन 60,000 में बेच दिए तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ठीक है। अरे कौन कितना पैसा लगा उसे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। ए फॉर ज्वाइंट वेंचर विद बी परचेज गुड्स रुपीज 2,00,000, बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर 2,50,000, तो 2,00,000 का 80% 1,60,000, 1,60,000 का गुड 2,50,000 में बेच दिया, मतलब 90,000 का प्रॉफिट। बैलेंस गुड टेकन ओवर बाय बी, बैलेंस कितना बच रहा है? 40,000 का गुड्स, क्योंकि 2,00,000 में 1,60,000 का बिक गया तो बचा 40,000 का गुड्स, वो भी अपने घर ले गया। किस दाम में? एट कॉस्ट लेस 25%, तो 40,000 25% 10,000, मतलब वो 30,000 में 40,000 का एसेट घर ले गया। बताओ बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ सर? इधर 90,000 का प्रॉफिट हुआ, इधर 10,000 का लॉस भी हुआ, अल्टीमेटली 80,000 का प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, लास्ट डे भी दिए थे। अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन डैश टू पे अंडरटेकिंग अ प्रॉमिस टू पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर ऑर्डर ऑफ प्रॉमिस टू पे होता है, क्योंकि बिल्स एक्सचेंज हम बनाते हैं और तुमको बोलता है कि तुम साइन करके दे दो, लेकिन प्रॉमिस नोट तुम खुद बनाते हो, मतलब तुम अंडरटेकिंग में दे रहे हो कि तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम पे करोगे, ठीक है। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 42,500, बी सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 एट रुपीज 50,000, बैलेंस गुड्स वेयर टेकन ओवर बाय बे एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इन केस ऑफ सेल। ये 3125 होगा, हमने लास्ट डे किए थे, ये 3125 होगा। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, टू मेंटेन बैलेंस शीट, टू मिनिमाइज टैक्स, टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज। ए नंबर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरा देने के लिए बेटा, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ टैक्स के लिए अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ लायबिलिटी के लिए अकाउंट नहीं बनाते। ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। लेजर का ट्रायल बैलेंस लेजर को देख के बनता है, तो हम यही चेक करते हैं कि मेरा लेजर में सारा पुटिंग ठीक हुआ है। तो मनी स्पेंड रुपीज 12,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन अ ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा सर, ठीक है। एसेट का एसेट का ही ये जा रहा है ना वो खर्चा, हाँ तो एसेट में ऐड हो जाएगा। विच ऑफ दिस एरर इफेक्ट्स टू और मोर अकाउंट, इनमें से कौन सा एरर दो या दो से ज्यादा अकाउंट पे इफेक्ट करता है? नंबर वन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन करेगा तो अकाउंट पे इफेक्ट, हाँ सर करेगा। आप कैश टू सेल्स एंट्री था ना, कैश में लिखे ना सेल में लिखे, पूरा ओमिट कर दिया, कंप्लीट ओमिशन बोला है, दोनों अकाउंट को करेगा इंपैक्ट। एरर ऑफ प्रिंसिपल एक ही को करेगा ना सर, डिपेंड करता है सर, दोनों को भी कर सकता है, एक को भी कर सकता है ना, लेकिन अभी श्योर नहीं है, ठीक है इसको हाथ में रखेंगे सर, अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, सर दो अकाउंट को करेगा। उसके लिए फ्रेट भी लगा 7,000, इंस्टॉलेशन का खर्चा भी लगा 30,000, इंश्योरेंस भी लगा 20,000, तो टोटल खर्चा कितना लगा उसके लिए?
तीस बीस पचास और 57 और 8,90,000 कितना होगा? बेटा जी एक कैलकुलेशन देने में इतना टाइम कोई हालत में नहीं लगना चाहिए जो लोग आप लोग कर रहे हो। 8,90,000 प्लस 7,000 सर आंसर होगा 1,81,400 प्लस 50,000 9,47,000 तुम्हारा टोटल एसेट का कॉस्ट लगा है। ठीक है तुमको बोला एसेट का रेसिडुअल वैल्यू 40,000 लाइफ 5 साल है तो माइनस करोगे 40,000 क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट तो 9,47,000 माइनस 40 तो 9,07,000 डिवाइडेड बाय 5 साल 181,400 इज योर आंसर। अच्छा खाली एक बार ना ये 20,000 को बिना ऐड किए करो तो 890 प्लस 30 प्लस 7 927 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 नहीं इसका आंसर ये होगा। इंश्योरेंस चार्जेस को ऐड नहीं करते बेटा इंश्योरेंस आपका नॉर्मल खर्चा है मशीन का वो मशीन का लाने के लिए कंपल्सन खर्चा नहीं है। इंस्टॉलेशन और फ्रेट मशीन को लाने के लिए करना ही पड़ेगा ना लेकिन इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर इंश्योरेंस ऐड नहीं करते। आपका आंसर आएगा 177,400 ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज है नॉमिनल अकाउंट खर्चा गया अकाउंट ऑरिजिनल कॉस्ट 1,50,000 है मशीन का रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ अंडर डब्ल्यूडीबी मेथड 10% के हिसाब से। बेटा जी यहाँ रेसिडुअल वैल्यू कोई काम का ही नहीं है क्योंकि डब्ल्यूडीबी मेथड में हमको रेसिडुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं था स्क्रैप वैल्यू से। मेरे को तो 1,50,000 है मशीन का दाम पहला साल 15,000 डिप्री होगा 10% के हिसाब से तो बच गया 35 दूसरा साल 13,500 होगा तो बचेगा कितना 1,21,500 तो थर्ड ईयर में डिप्री पूछा है आपसे वो होगा 12,150 ये वाला बी नंबर ऑप्शन। ठीक है बैंक है डायरेक्टली पेड 2,250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन BRS और तुमको पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है तो अगर पासबुक ओवरड्राफ्ट हमारे कैशबुक को अपडाउन कर सकते हैं तो मेरे को बोला बैंक डायरेक्टली पेड कर दिया मतलब मेरा पासबुक कम हो गया कैशबुक हाई है और हमको कैशबुक को अपडाउन करना है तो माइनस में लिखेंगे माइनस हाँ तो ₹2,250 विल बी डिडक्टेड। ठीक है जर्नल जर्नल इन द बुक ऑफ डैश एंट्री जर्नल को प्राइमरी एंट्री बोलते हैं पहला वही होता है ना हाँ जर्नल को प्राइमरी एंट्री बोलते हैं और लेजर को पोस्टिंग बोलते हैं। डेबिट साइड ऑफ पासबुक कॉरस्पॉन्ड्स टू पासबुक में अगर डेबिट साइड का बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस अच्छा यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन दिए पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस हाँ ठीक है तो ऑप्शन हो गए ये था अकाउंट्स का एमसीक्यू।